हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। डीएम ने कहा समय से संपन्न कराएं सभी तैयारी, नहीं चलेगी कोई लापरवाही। पूर्व विधायक स्वर्गीय केदार सिंह सैथवार के छठवें पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण और कार्यकर्ता रहे मौजूद। एक वर्ष पूरे होने पर महापौर ने बताई उपलब्धियां, कहा जल्द ही महानगर को मिलेगा 2 और रैन बसेरा। नगर निगम सीमा के अंतर्गत तेजी से चल रहा है शहरों के सुंदरीकरण का कार्य। 15 से 27 दिसंबर तक जनपद के चिन्हित किए गए दिव्यांगों को वितरित किया जाएगा सहायता उपकरण, डीएम के विजेंद्र पांडेय ने दी जानकारी। गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय एनएसएस की छात्रा का हुआ चयन, व्यक्त की खुशी। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की बैठक, किया ODOP समिट की तैयारियों की समीक्षा, गीडा की स्थिति सुधारने के दिए निर्देश। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 का विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने किया विरोध, कहा शीतकालीन सत्र में पास होने वाला ये बिल जनहित में नहीं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन, समाधान की मांग। बकाया भुगतान न मिलने पर जलकर विभाग के ठेकेदारों ने चौथे दिन भी जारी रखा कार्य बहिष्कार, कहा बकाया भुगतान न होने से भुखमरी के कगार पर है हमारा परिवार। महापौर ने कहा चरणबद्ध तरीके से होगा सभी ठेकेदारों का भुगतान। विभिन्न त्योहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट सदर प्रथमेश कुमार ने सदर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 15 जनवरी तक लागू किया धारा 144। अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी और सुपरवाइजरों के साथ आयोजित हुई बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और SC ST एक्ट एवं आरक्षण मुक्त भारत की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा 24 दिसंबर से निकालेगी राष्ट्र रक्षा संकल्प यात्रा।